Hi guys, my new video is on scam going on Facebook regarding jobs. They take girls' contact details and they approach girls and they make them fake calls and they trap girls in regards of their friendship and they misuse girls' details. Kindly watch my video carefully. So, hi guys, how are you all? आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम मैं एक वीडियो बना रही हूँ, रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्योंकि जो टॉपिक है वो बहुत सेंसिटिव है. मैंने मतलब दिस वॉज अनदर एपिसोड, सेम काइंड ऑफ एपिसोड विच वॉज हैपनिंग विथ मी. फाइनली जब उस एपिसोड को एक रिज़ल्ट मैंने दिया तो मैंने सोचा कि मैं ये वीडियो बनाऊँ और लोगों को, स्पेशली माई फीमेल फ्रेंड्स ऑन सोशल नेटवर्क या दुनिया में कहीं भी हैं जो मेरा ये वीडियो देख रही हैं, उन्हें मैं एजुकेट करूं. तो गाइस, ऐसा है कि सबको पता है कि लॉकडाउन में बहुत लोगों की जॉब्स गई हैं, मेरी भी गई है. मेरी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब थी, मेरी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब मई में एंड हो गई. मैंने एकदम से तो जॉब हंट नहीं करी, बट मैं कहीं गई भी नहीं इंटरव्यू के लिए. बट मैं जैसे ऑनलाइन इंडीड, शाइन वगैरह वगैरह पे तो मैं साइन इन हुई ही, वहाँ पे तो मेरे को ओपनिंग्स आ भी रही थी, मैंने अप्लाई भी किया. साइड बाय साइड मैंने देखा फेसबुक पे भी ना जॉब पोस्टिंग्स आ रही थी. तो जब मैंने जॉब पोस्टिंग्स पे अप्लाई किया, मुझे वहाँ से ये तो आता था कि सेंड योर रिज्यूमे, सेंड योर, ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, सेंड योर रिज्यूमे, ये वो करके. तो पहले तो ओ माय गॉड, सो मैनी टिटीज, इफ़ यू कैन सी टिटीज, नहीं दिख रहा कैमरे में, बहुत सारी टिड्डियाँ आई हैं अचानक से उड़ती हुई. ओके, तो जब मैंने शुरू शुरू में अप्लाई किया, मुझे लगा कि शायद ये बाय चांस वाला इंसिडेंस है. तो इंसिडेंस ऐसे हुआ कि मैंने अप्लाई किया तो उस बंदे ने बताया कि मेरा तो स्टूडियो है और मुझे तो एक एचआर चाहिए जिसे एक्सपीरियंस हो. तो मैंने पूछा कहाँ है आपका स्टूडियो वगैरह, उसने बोला नोएडा में है, 45 या 62 सेक्टर में है. हाँ, 62 सेक्टर में है. एंड यूज़ टू सेंड मी सम क्लिप्स एंड ऑल. मेघा से वो तो कैसे मिल जाती हैं पिक्चर्स या इंटरनेट से, तो वो ऐसे भेजा था. बट ही नेवर शो दैट ही इज़ विद इन द पिक्चर. ही यूज़ टू शो कि सामने स्टूडियो है और वो क्लिक करके मुझे भेज रहा है. और इन द मील वाइल फेसबुक से उसने मुझसे रिज्यूम मांगा, मेरा नंबर वगैरह मांगा, मैंने शेयर कर दिया. मुझे लगा ठीक है, ही माइट बी वांटिंग टू हेल्प मी फॉर अ जॉब, दे दिया. बट फिर उसने मुझे बोला कि जॉब वॉब तो नहीं है, एंड ही स्टार्टेड डूइंग फ्लर्ट विद मी. अब फ्लर्ट भी क्या, हर किसी से तो दिल लगता नहीं है यार. दिल है, कोई गाजर मूली तो है नहीं, तुम्हारा किसी से भी दिल लग जाएगा. एक वाइब्रेशन मैचिंग होती है, एक फ्रिक्वेंसी मैचिंग होती है, ऐसे हर किसी से दिल नहीं लगता. अनटिलनेस यू डोंट नो एनी वन, यू कैन जस्ट, यू कॉन्ट जस्ट स्टार्ट लाइकिंग एनी वन. कैजुअल टॉक्स होती हैं, ठीक है. माई न्यू हेयर कलर इज़ लुकिंग गुड, आई टुक अ ब्लॉन्ड हेयर कलर एंड आई एम टेकिंग अ गुड केयर ऑफ माई हेयर दिस टाइम. मैंने, अच्छा मैं बीच में बता देती हूँ, मैंने मोदी के ज्वाइन करा है. मोदी के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, उसमें कोकोनट ऑयल और टी ट्री ऑयल उनका बहुत अच्छा है. और मैंने एक एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ विच रियली शोड अ गुड रिजल्ट विद इन 15 डेज ऑन माई हेयर. तो कोकोनट ऑयल, टी ट्री ऑयल, स्पिरुलिना उनका कैप्सूल है, उस कैप्सूल को ओपन करके जो उसके अंदर मटेरियल है, पाउडर है, जब वो मैंने कोकोनट ऑयल में मिक्स करके एक मैंने बॉटल में स्प्रे बनाया, मैंने उसको एक दो बार लगाया, आई रियली हैड अ गुड हेयर ग्रोथ, ट्रस्ट मी. तो मोदी केयर को लोग पता नहीं क्यों इतना अच्छे से नहीं समझ रहे हैं, बट मुझे मोदी केयर के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लग रहे हैं. आई एम हैप्पी. अच्छा, लिव इट. मोदी केयर के प्रोडक्ट्स के ऊपर मैं बाद में एक वीडियो बनाऊँगी, विच आई रियली वॉन्ट टू. मुझे मन कर रहा है ना, मैं फेसबुक पे लाइव जाती हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट टू सी कि कौन कौन मुझे लाइव देखेगा. सो इट्स लाइक अ गुड टॉक विद देम एंड इट वुड बी अ नाइस थिंग टू बी ऑनलाइन ऑल्सो. तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे बनाती हूँ, मैं बता देती हूँ कि मैं एक छोटा सा वीडियो बना देती हूँ कि डोंट शेयर योर डिटेल्स टू अननोन कंसल्टेंट्स, जो बोलते हैं हम कंसल्टेंट्स हैं. Try to visit personally to the consultant's office. आप consultant के office जाइए,
वहाँ पे देखिए कि क्या और लोग भी आ रहे हैं, प्लस उनका वो कंसल्टेंट्स आप सर्च करिए, कहीं ना कहीं उन्होंने रजिस्टर करा हुआ होगा। रजिस्टर अगर कोई भी अपना कंसल्टेंसी रजिस्टर करता है तो वो ऑनलाइन गूगल में दिखाएगा, आप सर्च करिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ्रॉड चल रहा है। लड़कियों के नंबर्स ये लोग ले रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, फिर कुछ दिन बाद लड़कियों को SMS आते हैं और फ्रेंडशिप की रिक्वेस्ट आती हैं और लड़कियों को झांसे में लेते हैं, मैं आपके लिए ये कर दूंगा, मैं आपके लिए वो कर दूंगा, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, ये वो करके क्योंकि मैंने एक ऐसी एक अभी मैंने करा, बंदे को पकड़ा है बिकॉज ही वॉज ट्राइंग टू बी वेरी स्मार्ट विद मी। तो मैं समझ गई थी कि सम स्कैम इज़ हैपनिंग ऑन इंटरनेट थ्रू समवेयर और दी अदर। तो सबसे पहले मेरे फ़ोन में जो भी अननोन नंबर्स थे, जो भी थे कंसल्टेंट जॉब से रिगार्डिंग, जो भी जितने भी सेव थे, मैंने सबको डिलीट कर दिया। जैसे ही मैंने वो डिलीट करा तो एक जो बंदा मुझे ये बोलता था अननोन नंबर से कि क्योंकि मैंने वो अननोन नंबर तो अपने फ़ोन में सेव नहीं करा हुआ था और मेरे व्हाट्सएप में सिर्फ माय कॉन्टैक्ट से ही मेरी DP व्हाट्सएप की दिख सकती थी। तो जब मैंने उसको ये बोला कैन यू सी माय DP, तो उसने इंस्टेंटली लिखा मैं अपने दूसरे नंबर से चेक करता हूँ, एंड इज़ लिटली राइटिंग मी दिस थिंग। वो मुझे लिटली लिख के बोल रहा है कि मैं दूसरे नंबर से चेक करके देता हूँ। तो आई वॉज लिटली शॉक कि यार दैट मीन्स ऐसा कोई इंसान मेरे फ़ोन लिस्ट में है जो मुझे फॉलो कर रहा है, दूसरे नंबर से मुझे तंग कर रहा है। वो मुझे बहुत अब्यूज़ करता था, मेरी वीडियोस के ऊपर मुझे बहुत बोलता था, जो मेरी वीडियोस यूट्यूब में अपलोड हैं। मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने अपने एक फ्रेंड को मेंशन किया था, वो अपनी उस चैट में उस फ्रेंड के रिगार्डिंग मुझसे बात करता था और मुझे बहुत अब्यूज़ करता था। हालांकि जिस फ्रेंड का मैंने नाम लिया था वो फ्रेंड तो उस रिगार्डिंग कोई बात भी नहीं करता था। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, एनी हाउ मैंने अपने फ़ोन से जो भी अननोन नंबर्स थे जॉब कंसल्टेंट्स वगैरह वगैरह करके सबके नंबर डिलीट कर दिए और सबको ब्लॉक कर दिए। जैसे मैंने और मैंने वो नंबर फिर ट्वीट भी करा पुलिस को, केजरीवाल को और साइबर क्राइम ऑफिस को, आप ट्वीट करिए, बेशक आपको रिस्पॉन्स नहीं आएगा बट दे विल टेक एक्शन सम हाउ, वो कुछ ना कुछ एक्शन ज़रूर लेंगे, सो यू ट्वीट अबाउट इट। सेकेंड, डो नॉट शेयर योर व्हाट्सएप नंबर, डो नॉट कम ऑन वीडियो कॉल्स, डो नॉट शेयर योर पैन कार्ड नंबर्स, डो नॉट शेयर योर जीमेल IDs। आप प्रॉपर जो शाइन पोर्टल्स हैं वहाँ पर अप्लाई करिए, आपको कोई वहाँ पे भी फ्रॉड हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते हैं। मेरे को कल ही एक लड़की का फ़ोन आया जो लड़की पहले तो ये बोलती कि मैम मैं संगीता जॉब से बोल रही हूँ और आप जॉब ढूंढ रहे हैं, क्या ये सही टाइम है आपसे बात करने का। तो मैंने इसको फ्लिप यूँ मारा कि आप मुझसे क्या कह रही हैं, मुझे समझ में नहीं आया, आप मुझसे जॉब के लिए बात कर रही हैं, आप पूछ रही क्या मेरे पास जॉब है। तो वहाँ पे वो ऐसे फ्लिप कर गई कि वो कहती हाँ मैम मुझे आपका नंबर किसी ने दिया है और क्या आप जॉब लगवाती हैं, क्योंकि मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग है पूरी, मेरे को पता मेरी क्या बात हुई है। तो यहाँ से पूरा क्लियर होता है कि एक स्कैम चल रहा है जहाँ पे लड़कियाँ भी इन्वॉल्व हैं, लड़कियों को धंधे में डाल देते हैं, ह्यूमन ट्रैफिक बहुत चल रहा है। कुछ लड़कियाँ मन से भी करती हैं, कुछ लड़कियों को फंसाया जाता है। जो फैमिली वाली लड़कियाँ होती हैं जो फंस जाती हैं, वो कैसे निकले इन सब ट्रैप्स से। वैसे ही इंडियन मेंटालिटी इतनी गंदी है, आज भी लड़कियों को जॉब करने नहीं देते, आज भी लड़कियों को अब्यूज़ करते हैं घर में बाहर में, भाई बहन फादर पेरेंट्स, बहुत बहुत सारी कहानियाँ हैं। अगर आप कहेंगे नहीं नहीं फादर अब्यूज़ नहीं कर सकता, करते हैं, मैंने खुद देखा अपनी लाइफ में बहुत फादर अपनी डॉटर्स को अब्यूज़ करते हैं, बहुत हस्बैंड अपने वाइफ्स को तो अब्यूज़ करते ही करते हैं, भाई लोग भी करते हैं। सब कुछ होता है दुनिया में, सब कुछ होता है, ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं होता, बस ये है कि आपके नोटिस में कुछ है और आपके नोटिस में कुछ नहीं है। विद द टाइम सिनेरियो, विद द टाइम पासिस बाय, इंसान को सब कुछ धीरे धीरे एजुकेशन में आता है, सब कुछ पता लगता है। मुझे भी धीरे धीरे सब कुछ पता लगा, मुझे भी सब कुछ एकदम से नहीं पता था, जैसे जैसे मैंने कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस करी वैसे वैसे मुझे चीज़ें एक्सपीरियंस हुई हैं। तो मैं यही बोल रही हूँ कि आप ऑनलाइन इतना ज़्यादा एक्टिव ना रहिए। मैंने अपनी
फेसबुक से प्रोफाइल भी लॉक कर दी है। मैं इंस्टाग्राम पे भी किसी भी लोगों से इतना बात नहीं करती हूँ। फॉलो भी सिर्फ अपने फ्रेंड्स को ही कर रही हूँ। फॉलोइंग में भी लोगों को हटा रही हूँ और मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं ज़ीरो लोगों को फॉलो करूँ, क्योंकि इंस्टाग्राम में बाय डिफ़ॉल्ट सब कुछ तो वैसे भी आ जाता है, एक टीवी चैनल की तरह चलता है इंस्टाग्राम। अगर आप किसी को नहीं भी फॉलो करोगे तो तब भी आपके पास जो सबसे ज़्यादा चल रहा होगा लेटेस्ट न्यूज़, वो अपना आपके स्क्रीन में फर्स्ट अपडेट आ जाएगी। सेकेंड, आई एम वेरी हैप्पी, पबजी इज़ गॉन। जैसे लोग टिकटॉक के जाने पे खुश हो रहे थे, मैं पबजी के जाने में बहुत खुश हूँ। तो बराबर हिसाब हो गया फॉर एवरीवन। आई डोंट नो विच पॉइंट इज़ दिस, बट अगेन गर्ल्स, या बहुत अच्छा टाइम है, आप लोग अपने बॉडी फिटनेस पे ध्यान दो। मैं भी टेरेस पे आई हूँ और मैं या तो रनिंग करती हूँ, मगर आज बहुत ह्यूमिड था तो मैं आज पार्क नहीं गई, क्योंकि रनिंग के लिए बहुत अच्छा हवा चाहिए। आज बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही, तो आज मैं टेरेस पे वर्कआउट करूँगी। दिस इज़ माय बिग टेरेस, सी ये मेरी टेरेस है, बहुत अच्छी टेरेस है। मुझे कहीं जाने की ज़रूरत क्या है जब मेरे पास इतनी अच्छी टेरेस है? व्हाई शुड आई गो एनीवेयर? मेरा वहाँ पे योगा मैट है, मैं अभी म्यूज़िक लगाऊँगी और यहाँ पे मैं इस पे एक देखूँगी, जो भी बंदा अच्छे एक्सरसाइज करेगा उसको ऑनलाइन लूँगी और मैं एक्सरसाइज करूँगी, या फिर मैं अपने मन से करूँगी, टोन करूँगी अपनी बॉडी। अपने ऊपर ध्यान दो गर्ल्स, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ़ योर स्किन। मैं बहुत अपनी स्किन में बहुत DIY करती हूँ। मैं कोकोनट ऑयल बहुत लगाती हूँ, उसमें थोड़ा सा ग्लिसरीन ऑयल मिला के, स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है ग्लिसरीन ऑयल, और थोड़ा सा आप एलोवेरा जेल, ग्लिसरीन ऑयल, रोज़ वाटर, कोकोनट ऑयल का मिक्सचर बना के अपने स्किन में स्प्रे करके लगाओ, विच इज़ वेरी गुड, इट्स अ वेरी गुड सीरम फॉर योर स्किन। And for hairs, I keep on doing something or the other on my hair. मेरे बालों की ग्रोथ भी अच्छी हुई है और मेरे बालों की डेंसिटी भी बहुत अच्छी हुई है। मैं एक टाइम पे बहुत रोती थी कि मेरे बाल थिक नहीं हो रहे हैं, मेरे बाल बहुत पतले हो रहे हैं, बट somehow with this spirulina and tea tree oil, जब से मैंने कोकोनट ऑयल में डाला है, मेरा जो डेंसिटी है बालों का बहुत अच्छा हो गया है। सेकेंड, मैं किसी भी लेडी से अपने बाल नहीं कटवाती हूँ। मैं जेंट्स बाबर से अपने बाल कटवाती हूँ। तो स्पेशली मैं एक दुकान पे गई, वहाँ पे मैंने एक अंकल जी थे, बहुत बुड्ढे से अंकल जी थे, उनके बाल सफ़ेद थे, तो पहले मैं उनसे पूछ के आई, मैंने कहा अंकल जी मुझे ना ट्रिमिंग करवानी है सिर्फ आपसे, क्या आप कर दोगे? कहते हैं हाँ कर दूँगा। तो नेक्स्ट टाइम मैं गई और मैंने उनसे ट्रिमिंग करवाई। सो मैं ऐसे ऐसी चीज़ें एक्सपेरिमेंट करती हूँ। मैंने लेडीज़ से बहुत बारी करवाई है ट्रिमिंग और कटिंग्स बहुत बार ली हैं, तो वो क्या करते हैं ना, मेरे बाल इतने लंबे हो रहे होते हैं, वो कर 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 करके ना बत्तख के पर बना देते हैं, यहाँ तक चिड़िया के पर बना देते हैं। भाई हमने इतनी मेहनत से बाल इतने कमर तक करे हैं, तुम एक सेकंड में हमारे बाल कर 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 करके यहाँ तक पहुँचा देते, देखो तुम्हारे बाल कितने अच्छे, हमने तुम्हें बाल कितनी अच्छी हेयर कटिंग दी है, चूतिया बना देंगे पीछे से वो हेयर ड्राई करके और रोल करके। और उस टाइम तो हम लोग अब क्या कहेंगे, अब हाँ अच्छा है, बट आई फील वेरी बैड यार, मैंने इतने मेहनत से बाल बड़े कर रखे होते हैं, 3-4 महीने लगते हैं, 6 महीने लगते हैं, वो 15 मिनट नहीं लगाते हैं, बत्तख की तरह पर काट देते हैं। तो इसलिए मैं नहीं गई इस बार बिल्कुल भी किसी भी लेडी सैलून में। आई वेंट टू अ जेंट्स सैलून जब वो खाली था, और बिल्कुल ही गुम चुप एरिया में, अंदर बंद गली में, बहुत अच्छा सैलून बना हुआ वो अंकल जी का, वहाँ मैं गई। प्लस आई डू अ लॉट ऑफ मेडिटेशन। अगर कभी कभी आपका एक्सरसाइज करने का नहीं मन कर रहा है तो आप बैठो शांत से, एक कप चाय लो, म्यूज़िक लगाओ, रेडियो सुनो, लिसन टू म्यूज़िक, सी स्काई, पहाड़, अगर आप हिल स्टेशन पे हो तो पहाड़ देख रहे हो तो बहुत ही लकी हो, यहाँ पे तो पहाड़ वहाड़ कुछ भी नहीं है। मुझे तो बरसों हो गए पहाड़ देखे, पता नहीं कब मुझे पहाड़ की रानी बुलाएगी अपने पास। पहाड़ों की रानी मसूरी, आई एम नॉट डाइंग बट आई एम वेरी डेस्परेट टू गो ऑन एनी हिल स्टेशन। आई डोंट नो व्हेन आई विल गेट अ कॉल, आई एम जस्ट वेरी डेस्परेट टू गो आउट फॉर अ ट्रिप, बट सिनेरियोज अच्छे नहीं हैं। मैंने अभी मोमोज और गोलगप्पे खा लिए थे, मेरे तबीयत ख़राब हो गई थी।
मोमो से तो नहीं हुए होंगे, बट मुझे लग रहा गोलगप्पे से तबीयत ख़राब हुई होगी। फिर मैंने कल दोबारा से मोमोज खाए तो आज फिर से सुबह मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, क्योंकि मैं अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी। बट वो कहते हैं ना कि जुबान मानती नहीं है, हम लोग सब बड़े ही चटोरे टाइप हैं, दिल्ली के लोग फूडीज़ हैं, मोमोज गोलगप्पे टिक्की, हम लोगों को तो ऐसे मुंह में लगा रहता है ना। आफ्टर लॉन्ग टाइम मुझे कोई अच्छी मिली दुकान सरदार जी की, हमारे सोसाइटी में ही है, मार्केट में बहुत अच्छे मोमोज बनाते हैं, उनका जो पनीर मोमोज हैं मिक्सचर बहुत अच्छा बनाते हैं, तो मुझे बहुत टेम्पटेशन हो रही थी उनके पनीर मोमोज खाने की, वाइट सॉस पास्ता, रेड सॉस पास्ता, गोलगप्पे। कब तक इंसान रुक सकता है इन सब चीज़ों से यार कब तक? मैंने बहुत डाइटिंग करी है, यू कैन सी माय फेस, आई कैन लिटरली सी द डिफरेंस ऑन माय फेस, इट हैज़ रियली रिड्यूस। प्लस मैं बहुत बीमार भी रही हूँ, अभी कुछ दिन में मैं बैक टू बैक बीमार भी पड़ी हूँ, तो उससे भी मुझे बहुत बहुत फ़र्क पड़ा है। बीमारी से मुझे कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था, आई वॉज़ नॉट वॉन्टिंग टू ईट एनी थिंग, मुझे बस पानी या कोई मुझे कुछ दे दें लिक्विड सा, बस यही खाने का मन कर रहा था, दैट्स इट। और टेक केयर, डोंट गेट ट्रैप्ड ऑन ऑनलाइन लव्स एंड ऑल। देखो अगर कोई बंदा जेन्युइन होगा ना तो वो आपके साथ रहेगा, कोई बंदा जेन्युइन नहीं होगा तो आपको एक महीने के बाद छोड़ के चला जाएगा, तो आप भी उसको टाइम पास समझो ना। अगर वो आपके साथ टाइम पास कर रहा, आप भी टाइम पास करके उसको भूल जाओ, उसको इतना मत रो, अपने दिमाग में इतना मत हावी होने दो, मैं बस यही बोलना चाह रही हूँ। I love you all girls, and time बहुत ख़राब है, generation बहुत ख़राब है, it is better कि आप थोड़ा सा smart बन जाओ life में। life में आप ups and downs तो आएंगे, देखो कोई भी life smooth किसी की भी नहीं है, मेरी भी नहीं थी, ना है, ना कभी होगी, but you have to become very smart to handle all those ups and downs of your life। आप थोड़ा सा smart बनो। एक प्रोग्राम आता है लव गुरु रेडियो सिटी पे 91.1 पे, मंडे टू फ्राइडे 9 to 11 PM, आप उसे सुनो, इट्स अ वेरी गुड साइकोलॉजी रेडियो प्रोग्राम, मुझे उससे बहुत लर्निंग आती है। प्लस टीवी में बहुत ऐप्स हैं मोबाइल्स पे, अभे करके है, वो बहुत सीरियल अच्छे हैं, छोटी छोटी मूवीज़ बनती हैं यूट्यूब में, 20-25 मिनट की मूवीज़ बनती हैं, आप उसे देखो, बहुत लर्निंग्स मिलेंगी, बहुत बहुत लर्निंग्स मिलेंगी। आप रोडीज़ देखो, रोडीज़ में जो इंटरव्यूज़ होते हैं गर्ल्स के, मैंने 2-3 इंटरव्यूज़ देखे हैं गर्ल्स के, उससे बहुत मुझे नॉलेज मिली है और पता चला है कि हाँ सोसाइटी, ये सोसाइटी है, दिस इज़ द रियल फेस ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी के रियल फेस अगर आप देखोगे तो आपके पैरों तले ज़मीन भी निकल जाएगी। सो नेवर थिंक दैट योर लाइफ इज़ मिजरेबल, किसी की लाइफ मिजरेबल नहीं है और किसी की लाइफ स्मूथ नहीं है। सो स्टॉप थिंकिंग बैड फॉर यू एंड स्टॉप थिंकिंग गुड फॉर यू, जस्ट बी हैप्पी कि भगवान ने आपको एक लाइफ दी है, उसे अच्छे से चलाओ, बहुत अच्छे से बनाओ। बाय, लव यू ऑल।